और मैं इस बात से हैरान हूं कि एप्पल में ऐसी कौन सी ताकत है, वो क्या चीज है, किसी ने उससे रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ने भी एप्पल से शुरू किया। और स्टीव जॉब ने एप्पल से पूरा किया, उसने भी एप्पल कंपनी देखे गया। तो विकास की, विज्ञान की यात्रा एप्पल से एप्पल लेकर कहां तक पहुंची है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। इन दिनों आप कहीं जाओगे, रेलवे में, बस में, विमान में कोई तकलीफ होती है ना, तो बगल वाला आपको कहता है नहीं ऐसा करो, नहीं नहीं ऐसा कर लेना ठीक हो जाएगा। तो हम सोचते हैं पुराने जमाने दादी माँ तो बताती थी कि पेट दर्द होता है चलो ये ले लो, ये लोग कैसे बताते हैं। तो फिर मुझे पता चलता है कि डॉक्टर गूगल के भरोसे चलते हैं, ये डॉक्टर गूगल को पूछ करके बताते रहते हैं। मतलब इतना विज्ञान का प्रभाव है, हम किस इसका कितना उपयोग करें।